कंगन सब डिवीजन में भारी बर्फबारी से रोजमर्रा की जिंदगी चरमरा सी गई है। वहीं आज एडीसी गंदरबल के साथ एसडीएम कंगन, तहसीलदार कंगन, आरएनबी अधिकारियों संग बर्फ को हटाने के कार्य का जायजा लेने पहुंचे। गंदरबल से इरफान बेग की रिपोर्ट। सुरनकोट में भी भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। हर तरफ बर्फबारी हुई है जिससे पूरा पीर पंजाल सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर सैलानियों का आना भी लगातार जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को बर्फबारी से परेशानियां झेलनी पड़ रही है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। सुरनकोट से ताहिर काजमी की रिपोर्ट। क्या कर रहे हो सर? हम रजौरी से हैं। बेसिकली हम रजौरी में से, तो हम जा रहे थे साईं मीरे साहब की ज्यारत पे, तो हमें बर्फ पड़ गई। अब हमारी गाड़ी रुक गई इधर ही, तो अब हम यहाँ पे चाय बनवा रहे हैं, तो चाय पिएंगे। ठंड है बहुत ज़्यादा। हाँ, और हम आए हुए थे सुरनकोट पमरोड शरीफ में, और वहाँ से अब हम रवाना हुए साईं मीरे साहब की ज्यारत में, और रास्ते में बहुत ही किल्लम आई, बर्फबारी हो गई है, और यहाँ पे लोगों ने इंतजाम किया हुआ, आग वगैरह जलाई है, और हम ये चाय वगैरह पीने लगे। आप कौन सी जगह? सुरनकोट के डाक बंगला में यूथ नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई युवा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और पार्टी को मजबूत करने की नई रणनीति पर जोर दिया गया। सुरनकोट से ताहिर काजमी की रिपोर्ट। लोग जो है वो डिसाइड करें कि वोट किसको करना है, किस मैं बिलखसूस जो हमारे सुरनकोट के जितने भी नौजवान हैं उन सबसे दरख्वास्त करूंगा कि वो वहाँ पे आए। सुरनकोट में आना हुआ इस ताल्लुक से कि चौधरी अकरम साहब ने हम यूथ को इकट्ठा करने का फैसला किया है, और इस बिना पे कि उन्होंने ये फैसला लिया है कि हमने यूथ के लिए काम करना है, और हमें पता है कि वो इससे पहले भी काम करते रहे हैं, और कुछ जो यूथ के नाम पे बहुत सारी स्कीम्स आती रही हैं उन ताकि उनका फ़ायदा सुरनकोट की यूथ को मिल सके, और जो कांग्रेस के साथ बिलखसूस यूथ जुड़ी हुई हैं उनकी मीटिंग आज ली है, और ये फैसला किया गया है कि पंचायत लेवल पे और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे एक कांग्रेस यूथ की एक कमेटी बनेगी। जिस शोपिया से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिसमें मिलिटेंट्स ने रविवार को शोपिया जिले में अपने पैतृक गांव में अल बदर आतंकवादी संगठन के शीर्ष कमांडर जीनतुल इस्लाम और दाऊ उस्मान को बंदूक की सलामी दी। जी हां, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकारी सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद आतंकवादी जीनतुल इस्लाम के अंतिम संस्कार में पहुंचे और उनको बंदूक की सलामी दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक आतंकवादी ने हवा में कुछ फायर भी खोले। श्रीनगर से जेके खबर नाओ ब्यूरो चीफ रईस वानी की रिपोर्ट। कोकरनाग निर्वाचन क्षेत्र के कश्मीरी पंडितों के प्रति कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आज वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री के निवास पर आयोजित हुआ। पीरजादा मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का जायजा लेने कोकरनाग क्षेत्र के लोगों की टीम कोकरनाग क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों की समस्या पर चर्चा के लिए आए थे। पिछले 30 वर्षों के दौरान प्रवासियों के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में एक उत्तर चर्चा हुई। कैमरामैन हिलाल भट्ट के साथ श्रीनगर ब्यूरो चीफ रईस वानी की रिपोर्ट। डाक बंगला अनंतनाग में जीए मीर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हिलाल शाह कार्यकर्ताओं से ग्रास रूट के स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का आग्रह किया। पीडीपी और भाजपा पर भारी पड़ते हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीए मीर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा
कि पीडीपी और भाजपा सरकार ने पूरे जम्मू और कश्मीर राज्य में लोगों के दुखों को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पूरा राज्य घृणा की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कार्यकर्ताओं से चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए कमर कसने का आग्रह किया। पार्टी महासचिव हिलाल अहमद शाह ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की वजह से ही राज्य में कांग्रेस फल फूल रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में वो पूरे निर्वाचन क्षेत्र को एक मॉडल निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए अनंतनाग से कांग्रेस पार्टी को जिताना चाहते हैं। अधिवेशन के दौरान बोलने वालों में शामिल थे भूतपूर्व मोहम्मद अमीन भट्ट, गुलजार वानी, प्रवक्ता फारूक अंद्रावी, जिला अध्यक्ष गुलाम मोहिदीन भट्ट, इरफान हत्यारा, इकबाल अहंगार, राहिना नदाफ, मोहिदीन शबनम, बशीर अहमद पहलवान, आविद राशिद हसनदार। कैमरामैन हिलाल भट्ट के साथ श्रीनगर ब्यूरो चीफ रईस वानी की रिपोर्ट। डिमिनिश नहीं होती, कांग्रेस का 135 साल इतिहास है, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद से। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि कांग्रेस मुक्त देश बनाऊंगा, वो आप उसको आने वाले वक्त में पता चलेगा कि देश की जनता क्या चाहती है।